खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां जनता के समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को बेमेतरा विकास खंड के ग्राम बालसमुंद में अनुविभाग स्तरीय जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मांग एवं शिकायत के कुल 314 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 233 आवेदन का मौके पर ही निराकरण किया गया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आम जनता से रूबरू होकर लोगों की फरियादें सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण हेतु आदेश दिए। देखिए यह रिपोर्ट संवाददाता रोशन यादव के साथ। R9 भारत के लिए जिला संवाददाता रोशन यादव, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का शिविर के बारे में बताएंगे कैसे? जी, आज का शिविर बालसमुंद में अनुभागी स्तरीय जन चौपाल लगा है, वो बहुत ही सराहनीय था। जिले से पूरे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और लगभग 200 के करीब आवेदन आए हैं और निराकरण भी उस स्तर पर बहुत अच्छा हुआ है। किस तरह से लोगों का समस्या का समाधान हुआ? किसी का कार्ड बनाना है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ सुलझा है। जी, आयोजित किया गया है और आप खुद ही देख सकते हैं कि बालसमुंद में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग विभागों ने अपने अलग अलग काउंटर्स बनाए हुए हैं और मेरे सामने ही स्थल पे ही निराकरण करके लोगों को ऋण पुस्तिका वितरित किया गया है, राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। सब लोगों से मैंने सीधे संवाद करते हुए आग्रह किया है कि उनकी जो भी बातें हैं, जो समस्याएँ हैं, उनको सामने रखें। और इसके अलावा जो अलग अलग शासन की योजनाएँ चल रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, अलग अलग लोगों के हित के लिए योजनाएं चला जा रही हैं, उन सभी की जानकारी भी दे रहे हैं। तो मैंने लोगों से आग्रह किया है कि उसकी जानकारी लें और योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, इस बारे में वो अपनी मांगे रखें और हम परीक्षण करके लोगों को अधिकाधिक शासकीय योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।